हेलो किड्स, हिंदी के सेशन 3 में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में सबसे पहले संज्ञा, जिसको हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं, उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे हम संज्ञा के अलग अलग भेद के बारे में जानकारी भी ले लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के 3 प्रकार आज हम पढ़ने वाले हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुनील एक व्यक्ति का नाम है, पतंग वस्तु दिखा रहा है और लखनऊ एक विशेष शहर का नाम है। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पेड़, पर्वत, नदी, शहर, गांव। भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे दोस्ती, बचपन। अब हम बुक में दिए गए अभ्यास कार्य को करते हैं, जिसमें हमें दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द को छांट कर लिखना है और वो संज्ञा शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार दिखा रहा है वो भी लिखना है। नंबर 1, गाय वहाँ खड़ी है। उत्तर है गाय, और गाय एक जाति दिखा रही है तो संज्ञा का प्रकार होगा जातिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर पे है रेशमा खुशी से नाच उठी। यहाँ पे रेशमा एक लड़की का नाम है और खुशी एक मन के भाव का नाम है, तो रेशमा हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा और खुशी भाववाचक संज्ञा। नंबर 3, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। बच्चों, यहाँ पे अध्यापक का नाम नहीं दिया, पर अध्यापक एक जाति का ही बोध करा रहे हैं, तो संज्ञा शब्द है अध्यापक और संज्ञा का प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। चौथे नंबर पे है क्या तुम गांव में रहते हो। इधर भी गांव का नाम नहीं दिया है, तो गांव भी एक जाति का ही बोध करा रहा है, संज्ञा शब्द है गांव और संज्ञा का प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। 5वें नंबर पे है कल दादाजी आए थे। दादाजी का भी इधर हमें नाम नहीं दिया गया, तो दादाजी भी संज्ञा शब्दों में जाति का ही बोध करा रहा है, तो संज्ञा शब्द है दादाजी और संज्ञा का प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। ग्रामर में अब हम संयुक्त व्यंजन को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनने वाले वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आपको यहाँ पे 4 संयुक्त व्यंजन दिखाई दे रहे हैं। क्ष, क और श के मेल से बना है। त्र, त और र व्यंजन के मेल से बना है।
ज्ञ व्यंजन ज और ञ व्यंजन के मेल से बना है और श्र श और र व्यंजन के मेल से बना है। हमारे अभ्यास कार्य में अब हमें संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग करते हुए चार शब्द लिखने हैं। तो चलो बच्चों लिख लेते हैं। श से क्षेत्र, ज्ञ से ज्ञान, त्र से त्रिशूल और श्र से श्रेणी। अब हमारा अगला विषय है अनुस्वार और अनुनासिक। बच्चों अनुस्वार और अनुनासिक का जब हम प्रयोग करते हैं तो ध्वनियाँ नाक से भी निकलती है, पर उसमें भी थोड़ा बहुत अंतर है, तो आइए वो भी हम जान लेते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार के उच्चारण में सांस नाक से ज़्यादा बाहर निकलती है और मुंह से बहुत कम। अनुस्वार का मात्रा के रूप में हम जब प्रयोग करते हैं तब हम वर्ण के ऊपर डॉट यानी कि छोटी बिंदी लगाते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक के उच्चारण में सांस नाक से बहुत कम बाहर निकलती है और मुंह से अधिक निकलती है। अनुनासिक का हम जब मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं तब हम वर्ण के ऊपर आधा चंद्र और उसके बीच में बिंदु लगाते हैं, इसलिए अनुनासिक की मात्रा को चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। बच्चों हमारे अभ्यास कार्य में अब हमें दिए गए शब्दों में अनुस्वार या अनुनासिक का उचित प्रयोग करके वही शब्द दोबारा लिखने हैं। पहला शब्द है कधा। कधा में हम क के ऊपर बिंदी लगाएंगे तो वो शब्द होगा कंधा। दूसरे नंबर पे लिखा है मुँह। मुँह में हम मुँह के ऊपर चंद्र बिंदी लगाएंगे, शब्द बनेगा मुँह। चाद, चाद नंबर तीसरा नंबर है, उसमें हम चा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे, शब्द होगा चांद। चौथे नंबर पे है जगल। जगल में हम ज के ऊपर अनुस्वार की बिंदी लगाएंगे, शब्द बनेगा जंगल। पांचवें नंबर पे है मदिर। मदिर में हम म के ऊपर भी अनुस्वार की बिंदी लगाएंगे, मंदिर। नंबर सिक्स दांत। दांत में हम दा के ऊपर अनुनासिक की चंद्र बिंदी लगाएंगे, शब्द बनेगा दांत। नंबर सेवन बद लिखा है, उसमें हम ब के ऊपर अनुस्वार की बिंदी लगाएंगे, शब्द होगा बंद। नंबर आठ अदर लिखा है, उसमें हम अ के ऊपर अनुस्वार की बिंदी लगाएंगे, हमें शब्द मिलेगा अंदर। नंबर नाइन आँख लिखा है, उसमें भी हम आ के ऊपर अनुनासिक की चंद्र बिंदी लगाएंगे, हमारा शब्द होगा आँख। नंबर टेन रगोली लिखा है, उसमें हम र के ऊपर अनुस्वार की बिंदी लगाएंगे तो हमारा शब्द होगा रंगोली। आज के ग्रामर के सेशन को हम इधर ही समाप्त कर रहे हैं। बाय बाय टू ऑल माय डियर किड्स।